बीच एक खबर आ रही है दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से और बताया जा रहा है कि यहां हंगामा हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव की खबरें हैं। कुशल सिनेमा के पास पथराव हुआ है। दिल्ली पुलिस ये बता रही है इस घटना से जुड़ी हुई जानकारी कि जहांगीरपुरी इलाके में कुशल सिनेमा के पास जो शोभा यात्रा जब इस इलाके से होकर आगे गुजरी तो उस पर पथराव हुआ है। तो एक तरफ हम सामूहिक सद्भाव सांप्रदायिक सद्भाव की तस्वीरें देख रहे हैं तो दिल्ली से एक जो खबर आई वो अच्छी खबर नहीं है क्योंकि यहां पर पथराव हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर यहां से निकाली जा रही थी, उसी दौरान कुशल सिनेमा के पास पथराव इस यात्रा पर हुआ है। शोभा यात्रा पर जो जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है वो ये कि कुशल सिनेमा है जहांगीरपुरी इलाके में और उसी के पास से जब ये शोभा यात्रा निकली तो वहां पर कुछ पथराव जैसी घटनाएं हुई हैं जहांगीरपुरी में। अब क्योंकि इस तरह की खबरें हैं तो अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। एहतियातन सभी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हालात ना बिगड़े और ऐसे में ये खबर जो कि दिल्ली पुलिस के हवाले से बताई जा रही है कि पथराव हुआ है शोभा यात्रा जो निकल रही थी हनुमान जयंती के मौके पर। देश भर में अलग अलग जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही सही तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन दिल्ली में एक जगह पर पथराव हुआ है और वो इलाका जहांगीरपुरी का बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुशल सिनेमा के पास से जब ये गुजर रही थी शोभा यात्रा तो पथराव हुआ। मनोज हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि करीब 5:30 बजे करीब का वक्त रहा होगा कि आज दिल्ली में जगह जगह पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकलनी थी और निकली भी थी। तो जब जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकली है 5:30 बजे करीब, तभी इस शोभा यात्रा पर जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ समुदाय के लोगों ने अचानक से पथराव शुरू कर दिया, उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। इतना ही नहीं, इसके बाद जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे इस भगदड़ में वो भी वहां पर घायल हुए हैं। लोगों ने वहां पर आगजनी भी की है। पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। आला अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि स्थिति को अभी फिलहाल नियंत्रण में कर लिया गया है, सब कुछ कंट्रोल में है। भारी पुलिस बल को वहां जहांगीरपुर इलाके में तैनात किया गया है और जो घायल पुलिसकर्मी है उनको अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा कुछ लोग भी घायल हुए हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है कि वो किन किन अस्पतालों में भर्ती है। ABP News आपको रखे आगे।